तो चैप्टर का शुरुआत होता है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है मार्क्स ड्यूस, और वो अपनी एक कहानी बोल रहा था एक उस आग की जिसकी आग में जलकर सब आग नाग हो गए। वेल, अगर तुम्हें पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं एस की लाइट नोवेल के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर 5 वीडियो आएंगी, 5 चैप्टर की एंड एक एस के ऊपर अलग से। तो आज का लाइक एम रखते 300 लाइक, देखते हो सकते हैं कि नहीं 300 लाइक आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी डाल देंगे। इससे पहले तुम कमेंट में जाके अपना दिमाग खराब करो, बोल दूं कि ये नोवेल है एंड ये कैनन भी है एंड इसको ड्रॉ किया है डॉक्टर स्टोन के राइट हैंड ने, तो तुम्हें पता है कि ये बहुत आग होगा, लाइक लिटरली इसका आर्टवर्क बहुत सही है। तो हमारा ड्यूस भैया एक ऐसे आइलैंड में फंस जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ से ओशन चारों तरफ से एकदम घेर देती है आइलैंड को फॉर सम अननोन साइंटिफिक रीजन, एंड हमारे ड्यूस भैया को लगती है भूख, लेकिन ना ही आइलैंड में कोई जीव जंतु है और ना ही पानी के पास वो मछलियां आती है, क्योंकि मछलियां जो है वो इस समुंदर से दूर ही रहती हैं। इसी बात को सोचकर हमारे ड्यूस को आता है फ्लैशबैक कि बचपन में वो कैसे था, वो कैसे बुक पढ़ता था। फिर उसको अचानक से एक दिन कीड़ा काटा कि नहीं मुझे बुक लिख के सबको शॉक करना है, मैं ट्रेवल जर्नी लिखूंगा। और ये सब सोच के अब वो खुद पे देख रहा है और बोल रहा है कि ये हार्श रियलिटी तो अलग ही है भाई, एंड वो खुद को बेहाल समझता है। कि तभी हमारे सपनों का सुहाग आता है, दैट इज एस एक बोट को अपने हाथ में लेते हुए, एंड माइंड इट एस के पास तब अपना डेविल फ्रूट नहीं था, एंड तुम इसकी स्ट्रेंथ देख सकते तो भाई साहब। एंड एस बोल रहा है अरे वाह एक और बंदा मिल गया, मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। एंड मार्क्स ड्यूस देख के उसका आंख खुल जाता है, भाई तू कौन है कैसे है? एस बोलता है तुझसे मिलके बहुत सही लगा, मैं एस हूँ और मैं सेलिंग करते वक्त ऐसे मतलब फेंक के आ गया। एंड वो मार्क्स ड्यूस बोलता है अच्छा ऐसा क्या? फिर एस बोलता है क्यों मेरे साथ आना चाहेगा? मार्क्स ड्यूस बोलता है पागल है क्या, तेरे कॉफिन में कौन आएगा? एंड फिर एस बहाना देते बोलता है हम इसको ठीक कर लेंगे वो वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये ही बोल के हमारी हीरोज की शुरू होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मजे करते हैं, बहुत बातें करते हैं, एंड एस एज यूजुअल बहुत एनोइंग है, बट एस इतना भी अजीब नहीं है क्योंकि एस ने अभी तक उसका नाम तक नहीं पूछा, बाद में एस ने उसका नाम बताया। एंड यहाँ पे चलते चलते दोनों बात करते ही हैं कि दोनों में झगड़ा लग जाता है कि एस ने किसी का खाना खा लिया जो कि एक्चुअली में खाना नहीं खाया। लेकिन हमें यहाँ पे मार्क्स ड्यूस का नॉलेज देखने को मिला जब उसने आग के सामने वुड जलाया ताकि वो जगह कार्बोनाइज हो जाए। अब मैं तुम्हें बोर कर सकता हूँ साइंटिफिक बातें करके बट मैं नहीं करूंगा, मैं मंकी लॉर्ड हूं, मुझे पता है तुम मंकीज के दिमाग में कुछ नहीं है तो चिंता मत करो मैं नहीं समझाने वाला सब्सक्राइब कर। तो उसके बाद हमारा स्टोरी ऐसे ही बढ़ते जाता है कि तभी मार्क्स ड्यूस के सर में आती है कीड़ा एंड वो एस के साथ करने लगा है जीरा, आई मीन सीरियसली इसको लगा कि इसने एस का खाना खाया वो भी 3 दिन बाद एक इतने भयंकर स्टॉर्म में। भाई अब तब भी ये लोग चलते लगे, अब जब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अभी तक इनकी लड़ाई नहीं हुई, वेल अभी वो लड़ाई होगी, मैं अभी ये हाइप कर रहा था लड़ाई को। एस को दिया एक थप्पड़ उसने एंड वो भाग गया। भागते भागते याद है अटैक ऑन टाइटन के ये वाला पैनल जहाँ पे मिकासा की बच्ची पेड़ के अंदर गिर जाती है, मार्क्स ड्यूस भी गिर जाता है एंड उसको मिलता है बहुत बड़ा पंछी जो कि एक चेस्ट को गार्ड कर रहा था। एस आया एंड मार्क्स ड्यूस को बचाया क्योंकि मार्क्स ड्यूस एकदम गधा था, उसको कुछ नहीं पता कि जीवन कैसे चलता है, एंड पंछी ने उसको मार ही डाला था, बट एस ने किसी तरह से उसको बचा दिया। लेकिन उसके बचाने के पहले मार्क्स ड्यूस को उसके लाइफ के फ्लैशबैक मिले कि कैसे हर कोई मार्क्स ड्यूस के सपने पे हंसता था लेकिन एस नहीं हंसा, एस एक अच्छा बंदा था। एंड ये वाला पैनल देखो, ये देख के मुझे लूफी का पैनल याद आ गया, आई मीन लूफी जब एस को अपने कंधों में मेरीन फूड वाला पैनल वो वाला। उसके बाद एस एक कोई प्रिंसेस लड़कियों का स्टोरी रहता ना कि मेरा प्रिंस आके मेरे को बड़े से तलवार से बचाएगा, एस ने वैसे ही बचाया। एंड उसके बाद दोनों को लगी थी भूख, आई मीन ऑफ कोर्स 4-5-1-2 हफ्ते से नहीं खाया, तो उन्होंने क्या किया, चेस्ट में देखा एक खाना था, उन्होंने उसको आधा आधा किया एंड पहले बहुत झगड़ा कि तू खा मैं खा मैं खा तू खा, तो एस ने पहला बाइट लिया मेरा मेरा नोमी का एंड उसके बाद एस जल गया। लेकिन एस ने जो उस पे कंट्रोल किया भाई साहब उसका, हाँ यहाँ पे एक और चीज, अगर तुम डेविल फ्रूट का पहला बाइट खाते हो तो पावर तुम्हें मिलेगी, दूसरा वाला जो खाएगा उसको ना कोई पावर मिलेगा ना कुछ, वो एक नॉर्मल फ्रूट ही रहेगा। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तुम, ये वाला पैनल पे हमें वो फ्रूट आधे में दिखा लेकिन उस फ्रूट के अंदर क्या है वो पूरा व्हाइट है, पता नहीं उसके अंदर राइटर ने छुपाया क्यों लेकिन वो पूरी तरह से व्हाइट है फॉर सम रीजन। उसके बाद एस आग में जलने लगा, फिर उसने नोटिस किया कि वो आग में जल नहीं रहा है, उसके बाद वो लिटरली एक बुलेट शूट करता है अपने आग से, भाई तुम देख सकते
सकते हो। इवन एस कहता है कि ऑफ कोर्स आग एक रबर से तो बहुत ज्यादा सूटेबल है। भाई इस बंदे के पास इतनी स्किल है कि उसने मेरा मेरा नोमी के मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने मेरा मेरा नोमी खाया और तुमको पता भी नहीं लगेगी, तुम पूरे घर पे वहां पे यहां पे वहां पे आग लगा दोगे। एस के पास इतनी कंट्रोल है कि वो किसी भी चीज को इसी तरह से आग नहीं लगा रहा था। भाई साहब मतलब सोच रहे हो मतलब कितना स्किल्ड है। उसके बाद क्या इन दोनों ने अपना शिप बनाया एंड एस ने अपना लेजेंडरी स्ट्राइकर बनाया, दोनों निकल पड़े सवारी पे। एंड सवारी पे जाते जाते हमें उसका सिग्नेचर फायर फिस्ट भी देखने को मिला। एंड उसके बाद एस ने उसका नाम मार्क्स ड्यूज रख दिया क्योंकि ड्यूज एक्चुअली टू साउंड करता है शायद जैपनीज में। फिर दोनों आए ग्रैंड लाइन में एंड ये ही सारी चीजें चलती रही, दोनों एक साथ बात करते रहे। फिर अचानक एक दिन आया जब व्हाइट बियर्ड ने एस के बारे में सुना एंड फिर एस आता एंड बोलता है मैं पायरेट किंग को सरपास करूंगा। एंड तभी हमें पैनल में दिखता है दी ऑल डैडी व्हाइट बियर्ड। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना, एम है 300 लाइक का कर देना एंड आई होप कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट्स में WARH लिखना उसकी W एडिटिंग के लिए एंड बोलना बाकी वीडियो भी जल्दी एडिट कर दे, वो घंटा एडिट नहीं करता है। विद दैट बीइंग सेड बाय बाय।